हमीरपुर जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर खेत की जुताई को लेकर हुई बहस पर लाइसेंसी बंदूक से एक किसान पर झोंका गया फायर। मामला हमीरपुर जनपद के बीमार थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवादा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर खेत की जुताई को लेकर हुए विवाद पर सेवकरण सिंह गौतम के नाती लकी ने कुंज बिहारी के ऊपर लाइसेंसी दोनालू से फायर झोंक दिया, लेकिन इस पर किसान बाल बाल बच गया और उसका टायर ट्रैक्टर के टायर में गोली जा धंसी। तो ये बड़ी खबर, जहां पर बाल बाल बचे हैं किसान, जमीनी विवाद को लेकर यहां पर झोंका गया था फायर। मैं खेत जोत रहा था, वहाँ लकी आया दुनाली बंदूक लेके, पहले तिवारी जी के ऊपर फायर किया। इसके बाद फिर मेरे यहाँ आया, तुम से कहो गाड़ी खड़ी करो, और गाली गलौज भी किए उसने। और इसके बाद उसने एक पहिये में गोली मारी है, और फिर दूसरे दूसरी तरफ आया तो दूसरी तरफ गोली मारी है। और हमको गाली गलौज दे के कह रहा था, साले तुम भी भग जाओ नहीं तुमको गोली मार दूंगा। भारी होती है। आज जमीन का विवाद था, एक कुंज बिहारी तिवारी और शुभम के बीच में। कुंज बिहारी तिवारी ने जमीन शुभम सिंह से लिया हुआ था, इसमें चूंकि कोर्ट में भी चल रहा है मामला। उनका ये कहना था कि हमने पूरा पहचान नहीं पाया, जो अब तक जानकारी में आई। उसी क्रम में कुंज बिहारी एक ट्रैक्टर के माध्यम से खेत जोतवाने जा रहे थे, तो शुभम सिंह के नाती लकी, कुंज बिहारी का आरोप है कि उनके नाती ने हमको लक्ष्य करके फायर किया। गोली ट्रैक्टर में लगी है, मुकदमा प्रचलित है, घोषणा की जा रही है, जल्दी हमारी टीम गिरफ्तारी करके। सर, 14 जुलाई को नौवाड़ के पास महज 400 मीटर होते हैं फायरिंग हुई बांदली रोड पे, पूरी तरह गलत है। इसमें कोई फायरिंग नहीं हुई थी, प्रत्यक्ष ने बताया है, जो हमारे थाना अध्यक्ष ने जांच करी थी और डॉक्टर की रिपोर्ट में भी फायरिंग की बात नहीं है। गंभीर चोट है, हार्ट एंड ब्लड ऑब्जेक्ट है। 1 मई को सर थाना क्षेत्र हसरार गांव में फायरिंग हुई, दबंगों ने मार पिटाई की। किस तरह की कोई बात इसमें कोई FIR दर्ज है और ये संज्ञान। इस तरह की कोई बात आपने हमारे लिए? चलिए, हमीरपुर से UP24 न्यूज़ के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट।